हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और गाइस, जैसा आप देख रहे हो, मस्त सुहाना मौसम है, एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है। इतनी तेज़ धूप है कि आँखों पे, मतलब अगर आपने ग्लासेस नहीं पहने हैं ना, तो आप आँख ढंग से खोल के चल नहीं सकते। और भाई, कल जैसा आपने देखा ही था, बहुत ही गंदा मौसम था, एकदम खतरनाक, मतलब आंधी चल रही थी लिटरली, और बारिश वगैरह सब हो रहा था। पर यार, आज का जो मौसम है बिल्कुल उसके उलट है। वो नहीं होता जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, बिल्कुल उलट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं और ईशा, तो देखो ये ईशा हमारी, तो हम दोनों अभी निकले हैं, सोचा थोड़ा घूमा जाए। सैटरडे है, सैटरडे की जैसी फीलिंग भी आ रही है आज, तो हम अपने घर के पास ही यहाँ पर निकल गए हैं ये मैनमेड लेक के चाहो तो चक्कर लगाने। और भाई, कल का जो दिन था ना यार, मेरा काफ़ी बिजी रहा था यार, बहुत ज़्यादा। तो हुआ ये था, मैं रात में सोया ही बहुत लेट था, आई थिंक 1:30 या 2 बजे के करीब मैं बेड पे गया था। और भाई, पता है आज सुबह क्या हुआ? एक काम करते हैं, चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग यार? आज तो भाई बहुत जल्दी आँख खुल गई है, देख रहे हो, अभी सुबह के 4 बजे हैं और भाई आँख खुल गई है। पर भाई बाहर मौसम वैसा ही है, सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फिर से जाता हूँ सोने के लिए, थोड़ा सोता हूँ, फिर उठ के देखते हैं आगे का व्लॉग कैसे बनाना है। अभी हम धूप लेने के लिए सोचा थोड़ा बैठ जाते हैं, चलने से अच्छा। हवा अभी भी चल रही है, बीच बीच में तो थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन भाई ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है। मतलब पूरा हफ्ता जो था बहुत ही ख़राब मौसम रहा है, उसके कंपेरिजन आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। बताओ ईशा, तुम्हें कैसा लग रहा है? कितने दिनों बाद तुम निकली हो घर से बाहर? मैं रोज ही निकलती हूँ, हर एक दूसरे दिन वो कब निकलती हूँ घर से बाहर। क्या भाई ये ईशा, मैं बताता हूँ घर से बाहर कैसे निकलती है ना, निकलती है रेवे तक जाने के लिए, या फिर कहीं जाना होता है तो गाड़ी में जाते हैं। पैदल के बारे में पूछा था, तुम पैदल मेरे ख्याल से हफ्ते भर बाद निकली हो तुम घूमने के लिए। लास्ट टाइम गए थे हम घूमने हम गए थे पैदल यार। पैदल जाते रहते हैं यार, रात को अगर नहीं जाते तो रात को घूमते हैं। हम कहीं बाहर घूमने कब निकलेंगे घर से? एक अच्छा सा ट्रिप कब बनाएंगे? ईस्टर की छुट्टी आ रही है तब प्लान करते हैं ना। हमको ना काफी टाइम हो गया, कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं इस वेदर की वजह से कि हम कहीं कोई अच्छा ट्रिप बना नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे। कभी बारिश हो जाती है, कभी इतनी आंधी निकलती है, कभी कभी क्या पहली बात हमें, हाँ ये बात सही है। लेकिन मैं तो भाई गया था एम्स्टरडम, मैं दिसंबर में वो हो गया तो तुम्हारा था? वो वॉइस का सर्कल गया था ना, फ्रेंड सर्कल। हाँ। तो तुम जा सकते हो ना? नहीं तो करेंगे, हमारा कोई अच्छा ट्रिप बना नहीं अभी तक। नहीं, ईस्टर पे चलते हैं, ईस्टर पे 4 दिन की छुट्टी है। गए थे तो थोड़ी ना वहाँ पे इतना एंजॉय कर पाए थे, वहाँ पे भी तो वेदर ऐसा ही था, बारिश हो रही। भाई जो शादीशुदा लोग है ना, उनसे पूछो कि जब उन्हें अकेले दोस्तों जाने को मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर बॉयज का ट्रिप है और एम्स्टरडम जैसी जगह जा रहे हैं, तो लोग क्या करने जाते हैं? एक ही चीज करने जाते हैं ना भाई, वहाँ पे अच्छे खासे बोटानिकल गार्डन है। कितने सारे म्यूजियम्स हैं। अच्छा, जो एम्स्टरडम का वीडियो बनाया था बस एयरपोर्ट का बनाया था, उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। आपने देखा ही होगा ना, जो वीडियो में लिख रखा था एम्स्टरडम ट्रिप एंड GoPro अनबॉक्सिंग, उसमें एम्स्टरडम का सिर्फ एयरपोर्ट का सीन ही दिखा था, उसके बाद जो ट्रिप था उनका कुछ भी नहीं दिखाया। तो कौन से, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। हाँ हाँ, कौन से गार्डन दिखाए हैं, कौन सा क्या किया तुमने? नहीं यार, अब तो नहीं। सभी जानते हैं, खासकर लड़के। भाई ये फालतू के वो दे रही है, ऐसा कुछ नहीं था, हम घूम ही रहे थे। मेरे जो दोस्त थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, सीधी बात ये थी, कैमरे के सामने। और फिर उनको ये था कि भाई फोटो खींचे, तो मैंने पिक्स बहुत सारी खींची हैं, बट मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि तो हम देखना चाहेंगे कि वीडियो फोटो भी आजकल, आज तुम ना फोटो सारी क्लिक करके जो भी फोटो है तुम्हारी, एक छोटा सा वीडियो बना देना। और भाई वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो भाई वो हेलीपैड बन रहा है इस हॉस्पिटल का। तो यार घर में लास्ट में 2-3 ब्रेड बचे थे, तो सोचा कि इनको बतखों को दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने बतखों को भी कुछ नहीं खिलाया, तो अभी इनको खिला रहे हैं। ये 2-3 बतख हैं। हम अभी यहाँ पर आए हैं जहाँ पे ये झूला लगा हुआ है, तो आज तो थोड़ी बहुत भीड़ है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा झूला जाए इसमें। ईशा तुम तो झूलोगी कि नहीं? ईशा ने तो मना कर दिया, बहुत हाइट है, डर लग रहा है।
पर अपने को तो झूलने का मन कर रहा है। यहाँ पे छोटा सा खाने पीने का भी इन्होंने बनाया हुआ है। भाई जो टिकट है वो 12 यूरो का है, तो सोच रहा हूँ ले लेते हैं और जाते हैं। सही लग रहा है, भीड़ भी नहीं है और बहुत सही लगेगा यार ये। वाह, बाय। टिकट ले लिया है 12 यूरो का और अब जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो भाई आ गए अपन यहाँ पे अंदर। वायु एकदम सबसे ऊपर आ गए हम लोग। तो गाइज मज़ा आ गया, मस्त था। टोटल 4 राउंड मारे और डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, जैसे अपना नहीं होता एकदम छाती ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। काफ़ी स्लो स्पीड थी, तो आई थिंक सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे वगैरह, बहुत सही था। देख रहे हो अभी अगले लोग चालू हो गए यहाँ पे जाना। और भाई मौसम इतना अच्छा है कि पूरा जो पार्क है भरा हुआ है, ये देखो एकदम, मतलब बच्चे बड़े सब लगे हुए हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए। यहाँ पे छोटा सा वॉल क्लाइंबिंग का भी है और ये फ्यूचर फुटबॉलर्स। और भाई अब शाम के 4:30 बज रहे हैं, मैं और ईशा लगभग 3 घंटे से इसी पार्क में घूम रहे हैं। हमने झूला उगला सब कुछ झूल झाल लिया है और भाई अब क्या है ना, थोड़ा बादल आने लगे हैं और ठंडी थोड़ी बढ़ रही है, हवा भी चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं अपने चारों तरफ, देखो ये एकदम थोड़ी देर पहले सब साफ था और अब देख रहे हो पूरा एकदम बादलों से भर गया पूरा आसमान, बादल ही बादल है। तो गाइस फिर चलते हैं अभी घर, चाय वगैरह पीते हैं, सुस्ताते हैं। और गाइस अब मैं और रेवे में ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, आज सैटरडे है, कल संडे सब बंद रहेगा, तो सोचा जरूरी सामान ले लिया जाए, फ्रूट्स वगैरह, दूध। तो गाइस ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह सब हो गई, डिनर वगैरह भी हो गया और अभी मैं सोच रहा हूँ फटाक से आज के वीडियो की एडिटिंग करके इसको अपलोड भी कर दूं। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा था, आपने देखा मस्त मजा आया। झूले का कोई प्लान नहीं था यार, झूलने वूलने का हमारा, बस वहां पे गए फिर सोचा चलो कर ही लेते हैं, मौसम ठीक है तो झूल लेना चाहिए। तो गाइस फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना अपनों का ध्यान रखो और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, एंजॉय द वीकेंड।